हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड वितरण यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम के बारे में और खासकर एम स्टॉक के बारे में अब एम स्टॉक दोस्तों आपको 14 परसेंट पे इंटरेस्ट रेट पे एम फंडिंग प्रोवाइड करा देता है अब एम होता क्या है उसमें हम पूरा ऑर्डर लगा के देखेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से ऑर्डर लगाना है कितना क्या कैसे प्लेज करना है और कब इसको बेचना है कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बहुत लर्निंग मिलेगी और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को तो दोस्तों तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एमस्टॉक का, का यूजर इंटरफेस ये दोस्तों एमस्टॉक एक ब्रोकर है मेरा सेट फाइनेंशियल सर्विसेज का उनका ब्रोकर है और इसकी खासियत ये है कि आप इसमें दो प्लान आपको मिलते हैं एक ब्रोकरेज फ्री वाला प्लान मिलता है और एक डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरह प्लान मिलता है तो दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और उस मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये एम स्टॉक में फिफ्टी थाउजेंड फंड कर चुका हूँ और इसकी खासियत दोस्तों ये है कि में दूसरे जो ब्रोकर हैं वहां पर आपको स्टॉक्स तो मिलते ही है एम के लिए लेकिन यहाँ आपको एम स्टॉक में आप निफ्टी बीस पर भी यानी जो ईटीएफ होते हैं उन पर भी एम फंडिंग ले सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर साइड में जो स्टॉक ये वॉच लिस्ट यहां पर है सबका दिया होता है कितना एम फंडिंग मिल जाएगी जैसे रिलायंस में सेवेंटी

अब इन्वेस्ट में दोस्तों इन्वेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि आपके पास जितना पैसा है आप उससे उतने ही शेयर खरीद सकते हैं यानी जनरली जो लोग डिलीवरी में शेयर बाई करते हैं कि आप, आपके पास एक लाख रुपए खरीद लिया उसको इन्वेस्ट में ये ऑर्डर कैटेगरी में आएगा यानी डिलीवरी वाली पोजिशन डे ट्रेड का मतलब दोस्तों इंट्रा डे होता है कि आज के आज, आज, आज आपको पोजीशन लेनी है और आज के आज ये क्लोज करनी है इंट्रा डे अगर करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मार्जिन मिल जाता है इसके बारे में दोस्तों मैं कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा और तीसरा है दोस्तों एमटीएफ अब एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग तो इसमें क्या होता है कि आप एम में जब ऑर्डर लगाएंगे तो आपको मार्जिन ब्रोकर देगा और इसको आप लाइफ टाइम मतलब जितना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं यहाँ एम स्टॉक में एक साल की कोई वैलिडिटी नहीं है आप जितने टाइम तक इसको चाहे उतने टाइम तक रख सकते हैं अब एम पे जैसे अभी देखिए अगर इन्वेस्ट पे डिलीवरी मान लीजिए निफ्टी बीज के अगर मेरे पास जैसे पचास हज़ार रुपए हैं तो मैं देखता हूँ कि पचास हजार में मेरे पास कितने शेयर आ रहे हैं तो अगर मैं देखूँ तो लगभग देखिए एक सौ अस्सी शेयर मेरे पास आएंगे अगर मैं वन एट्टी गरीब डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उनचास हजार दो सौ दो रुपये लग रहे हैं एक सौ अस्सी शेयर के डिलीवरी में तो अगर मैं डिलीवरी में निफ्टी बी ईटीएफ खरीदना चाहता हूँ तो मुझे पूरे उनचास हज़ार दो सौ दो रुपये पे करने पड़ेंगे अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा सकते हैं जो भी शेयर में आप एम लेना चाहें बहुत सारे शेयर की लिस्ट है दोस्तों लिमिटेड शेयर नहीं आप किसी में भी कर सकते हैं तो अगर मैं चाहू कि यहां पर अगर मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता तो मैं इसको अच्छे से और कर सकता था और प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर सकता था तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है प्लेस एम टी एफ ऑर्डर एंड सेव कैपिटल ऑफ थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन नाइनटी वन यानी कि अगर हम एम टी एफ में ऑर्डर लगाएंगे तो एक

वो ब्रोकर का लगाया तो उस पर वो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है इसकी इंटरेस्ट रेट बोलते हैं दोस्तों दूसरे ब्रोकर्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग तक इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है चाहे कोटक सिक्योरिटी हो एंजल बन हो हालांकि अब थोड़ा हालांकिटिव मार्केट हो रहा है तो उसमें इंटरेस्ट रेट सभी कम कर रहे हैं अपनी लेकिन जनरली ओवरऑल आप लगभग सोलह परसेंट तक की आपको एमटीएफ इंटरेस्ट रेट दोस्तों देखने को मिलती है दूसरे ब्रोकर में इसका मतलब यह है कि अगर आप एक लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्रोकर से लेते हैं जैसे आपके पास अगर मान लीजिए एक लाख आपके हैं और आपने एक लाख रुपए का मार्जिन और लिया ब्रोकर से तो एक लाख रुपए पे पर डे पे लगभग आपके उनचास रुपए का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे ब्रोकर्स वहीं यहां पर दोस्तों अभी चूंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ये दोस्तों ऑर्डर आप देख रहे हैं 28 अक्टूबर को मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं आप जब ऑर्डर लगाते हैं दोस्तों तो सबसे पहले अच्छी बात ये है कि तुरंत ये प्लेस करवा लेता है जैसे देखिए हमने बाइक करने का ऑप्शन हमने एम में डाला तुरंत ये यहाँ पर सीट की सेल की विंडो पे ले आए दूसरे ब्रोकर्स में क्या होगा कि आप जैसे ही ऑर्डर लगाएंगे आपके पास शाम को मैसेज या मेल आएगा कि अब अपनी पोजीशन को प्लेज कर दीजिए इसमें प्लेज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ब्रोकर का दोस्तों पैसा लगा है अगर मान लीजिए आप ब्रोकर प्लेज नहीं करवाएगा और आपका लॉस होने लगता है तो ब्रोकर वो रिकवरी कहां से करेगा एक लिमिट के बाद फिर वो बेच देगा ये पोजीशन को आपसे कहेगा या तो फंड एड करिए नहीं तो बेच देगा तो देखिए तुरंत प्लेज हो जाता है कोई आपको बाद की हेडिंग नहीं है कि आप मेल आएगा मैसेज आएगा अब एक बार आपने जो सी पे अभी जो प्रोसेस देखी वो करने के बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और देखिए मैंने ये ऑर्डर लगा दी निफ्टी बीस का एक सौ अस्सी क्वांटिटी का हमने परचेज कर लिया अब ऑर्डर में भी मैं जाके आपको एक बार दिखा देता हूं देखिए इस तरीके से आप एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाके देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में देखिए निफ्टी बीस का एम प्रोडक्ट टाइप है एग्जीक्यूटेड हो गया एक सौ अस्सी क्वांटिटी और लगभग ट्रेडेड प्राइस क्या है दो सौ बहत्तर दसमलव सात सात इस पोजिशन में भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी बीज यहाँ पर दिख रहा है एक सौ अस्सी क्वांटिटी अभी दिख रहे हैं पांच रुपए का प्रॉफिट लॉस तरीके का चल रहा है और आप अगर देखें वॉच लिस्ट में हम वापस जाते हैं तो निफ्टी बीज में सेवेंटी ये वॉच लिस्ट है यहाँ पर आप फंड में देख लीजिए मेरे पास पचास हजार के अब कायदे से मैंने शेयर खरीदे हैं वो लगभग पचास हजार के तो यहाँ पर अवेलेबल टू ट्रेड जीरो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी भी अवेलेबल टू ट्रेड है सैंतीस हजार पांच सौ बहत्तर यानी साढ़े बारह हजार रुपये सिर्फ हमारा यूज हुआ है और बाकी का पैसा आप दूसरी ट्रेड में या फिर किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं तो रिमेनिंग जो पैसा आया साढ़े बारह मेरा लगा और बाकी जो साढ़े सैतीस हजार जो ब्रोकर का लगा है अब उस पर मेरा इंटरेस्ट चार्ज होगा अब इंटरेस्ट चार्ज दोस्तों कितना होगा क्योंकि जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था दोस्तों तो मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट सोलह परसेंट एम स्टॉक प्रोवाइड करा रहा था लेकिन अभी आप हमारी रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं एम के लिए तो उसपे आपको फोर्टीन परसेंट पर एन का इंटरेस्ट चार्ज होगा फोर्टीन परसेंट पर एन का मतलब आप समझ सकते हैं कि दो परसेंट और कम आपको मिल जाएगा तो अगर ओवरऑल दूसरे ब्रोकर से देखें तो लगभग चार परसेंट इंटरेस्ट रेट कम है और आप समझते ही हैं कि अगर आप लोन कहीं से लेते हैं तो एक परसेंट भी बहुत होता है इंटरेस्ट में और यहाँ पर चार परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट रेट पर आपको ये एम फंडिंग मिल जाएगी तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप उस पर से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों तो जब ये आप एम की प्रोसेस करेंगे तो दोस्तों ये जैसे आप किसी भी डेट में ऑर्डर लगाए तो ये पहले दिन की प्रोसेस है कि आपको पहले दिन सिर्फ यही करना है अब दूसरी जगह पे जैसे आपने मेरा एंजल वन वाला भी वीडियो देखा होगा एम का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा या ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा तो वहां पे आप देखते हैं कि आप ऑर्डर लगाते हैं फिर आपको शाम को मैसेज या मेल के थ्रू आएगा कि सी पे जाके अपनी जो है अपने पोजिशन ली है एम की जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की उसको जाके प्लेच कर दीजिए लेकिन यहाँ पे पहले ये प्लेच करवा लेगा फिर आप ऑर्डर लगाइए आप पहले ही प्लेच कर देंगे तो शाम की कोई झंझट नहीं है आप भूल गए तो ऐसा नहीं कि आप भूल जाए होता क्या है उस केस में अगर भूल गए तो ब्रोकर उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा और मान लीजिए आपको लॉस हो रहा होगा तो बुक हो जाएगा इस केस में क्या होगा कि तुरंत ऑर्डर लगाने से पहले वो प्लेच करवा लेगा अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो फिर आप ऑर्डर लगाएंगे उसके बाद आपको कोई प्रोसेस करनी ही नहीं है फिर सारा काम एम स्टॉक का है वो सब देख लेंगे तो ये दोस्तों पहले दिन का सीन है कि पहले दिन आपको ये ऑर्डर लगाना है अब आपको कुछ नहीं करना है दूसरे दिन जाके या रात में जाके कुछ नहीं करना है इसमें अब जिस दिन हम इस पॉजिशन को बेचना चाहेंगे उस दिन जाके सिर्फ आपको सेल ऑर्डर लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी आज के लिए जैसे अट्ठाईस अक्टूबर को मैंने ऑर्डर लगाया है तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूंगा और इस पॉजिशन को हम होल्ड करेंगे और हमने निफ्टी बीज में पॉजिशन बनाई तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि दूसरे ब्रोकर में अगर आप देखेंगे तो आपको ईटीएफ पर एम टी एफ फंडिंग ज़्यादातर मिलती नहीं है स्टॉक्स में मिल जाएगी लेकिन ई टी में नहीं मिलेगी तो आप ई टी एफ में पोजीशन पोजिशन बनाकर इसको चाहें तो दूसरे तरीके से ऑप्शन सेलिंग में यूज करके उससे एक एक थोड़ी साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से वो एक अलग तरीका है जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे तो चलिए अभी मैं वीडियो को रोक रहा हूँ फिर जब हम इस पोजिशन को बेचेंगे तब आपके उस वहां पर कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों तो दोस्तों जब हमने ऑर्डर लगाया था उस दिन थी अट्ठाईस अक्टूबर अब सात नवंबर है और मार्केट अच्छे खासे फॉल हो चुके हैं उसके बाद हालांकि कल यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हो गया और ट्रम्प साहब फिर से जीत गए हैं उसके बाद कल मार्केट में रैली आई और आज फिर से अगेन मार्केट डाउन है तो मैं अपनी आज वो जो एम टी एफ वाली पोजिशन थी आप देख सकते हैं कि वन वन एटी क्वांटिटी थी दो सौ बहत्तर रुपए सत्तर पैसे की एवरेज प्राइस पे और अब करीब आज देख रहे हैं इसमें तो करीब ओवरऑल इसमें तीन सौ पच्चीस रुपए का लॉस चल रहा है तो आज मैं इसको एग्जिट करके दिखाता हूं एग्जिट करने के लिए आप कुछ नहीं करना है आप फिलहाल देख लीजिए सैंतीस हजार दो सौ वार्ड मतलब जितना उस दिन था पैसा आज भी उसी उतना ही है तो कोई यहाँ पर फिलहाल इंटरेस्ट चार्ज वगैरह अभी नहीं लगा है ये कब लगेगा दोस्तों जब आप पोजिशन क्लोज कर देंगे तो ओवरऑल फिर जो फाइनल सेटलमेंट होगा उसमें आपका इंटरेस्ट काट लिया जाएगा तो जैसे अब मुझे जब ये बेचना है तो अब मुझे जब ये बेचना है तो मुझे कोई अलग से प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी अब आप देख सकते हैं कि इस पर जस्ट मैंने पोर्टफोलियो पे आया इस पर क्लिक किया अब मुझे सेल करना है अब सेल करने के लिए क्या करना है जैसे दूसरे ब्रोकर में आप करते होंगे सेल को वैसे ही करना है ऑर्डर टाइप में देखिए ऑलरेडी एम टी एफ सिलेक्टेड है तो आपको यहीं से सेल करना है तो इस इसपे रहने दीजिए और मान लीजिए मार्केट ऑर्डर मुझे लगाना है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिड सामने आपको देखेगी मैंने यहाँ पर जैसे ही सेल ऑर्डर लगाया तो अगर आपने डी डी पी आई एनेबल कर लिया है इसमें कुछ नहीं एक मैंडेट देना होता है आपका ओटीपी आएगा अगर आपने वो कर दिया तो ये सब झंझट फिर नहीं करनी पड़ेगी आप लाइफ में एक बार इसको कर दीजिए तो ये और OTP ये टी पिन और मांगेगा नहीं इसका वन टाइम फी लगती है 99 या तो वो कर दीजिए और आपको डीडीपीआई आप नहीं कराना है यानी ब्रोकर को अधिकार नहीं देना है बेचने का तो आप जैसे आप वेरीफाई अपनी होल्डिंग करते हैं सीडीए सी डी एस एल पे तो आप सबसे पहले अपना टी पिन डालेंगे टी पिन जब आपने अकाउंट बनाया होगा तो उसी टाइम पे मेल आपके पास आया होगा टी पिन का फिर भी इनकेस अगर गुम हो गया है कहीं तो कोई झंझट वाली बात नहीं है आप देख सकते हैं कि अगर आपको नीचे दिख रहा होगा वेरीफाई होल्डिंग्स ऑन सी डी एस एल उसके जस्ट नीचे थोड़ा रेड से ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट न्यू टीपिन तो अगर आपके पास टीपिन भूल गए हैं या डिलीट हो गया है तो आप इस टीपिन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और मेल पर दोस्तों टीपिन फिर से आ जाएगा तो टीपिन दोस्तों सिक्स डिजिट का कोड होता है और वो हमेशा सेम रहेगा तो आपको वो डालना पड़ेगा जैसे ही फिर आप वो डाल के कंप्लीट करेंगे तो फिर ओ आएगा ओ डालेंगे तो चलिए पहले अब जैसे मैं मुझे अभी टी पिन नहीं मिल रहा है अपना क्योंकि अकाउंट नया ओपन किया था मैंने तो अभी अब इसको मिल नहीं रहा है तो मैं रिक्वेस्ट न्यू टी पिन करूंगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा और मोबाइल पर ही भी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर मैसेज आ गया है तो आप जस्ट इस पर जाके एंटर टी पिन एंड वेरीफाई होल्डिंग्स पे हम क्लिक करेंगे और अपने टी पिन को वहां पर एंटर कर देंगे दोस्तों तो देखिए जैसे ही आप वेरीफाई टीपीएन पे क्लिक करेंगे तो सी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और टीपीएन वेरिफिकेशन आ जाएगा अब हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो अब अगेन सिक्स डिजिट का ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और नीचे डिटेल आ जाएगी कि, कि ETF, की वन एट्टी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं सेटलमेंट डेट लिखी है आठ नवंबर यानी आज सात नवंबर है अगले दिन की सेटलमेंट की ये सेटलमेंट आपका नेक्स्ट डे में होगा और ओटीपी जैसे ही वेरीफाई करेंगे सक्सेस हो जाएगा अब कुछ नहीं करना है आपको इस पेज से आप बैक कर जाइए या फिर अपने पोर्टफोलियो वाले पेज पर क्लिक कर लीजिए तो आप अपनी पोजिशन पर दोबारा पहुंच जाएंगे जैसे कि यहाँ पर अब ये पेज अपने आप आपने हटेगा आप पोर्टफोलियो पे जाके क्लिक कर लीजिएगा अब जैसे ही आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से उसी विंडो पे आ गए अब आपको कुछ नहीं करना अब यहाँ से आपको सेल ऑर्डर लगा देना है आपने टीपिन वाली प्रोसेस कंप्लीट कर ली तो जैसे अब मैं यहाँ पर बेचता हूँ तो देखिए मार्केट ऑर्डर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं वन क्वांटिटी क्वान्टिटी एम टे ऑलरेडी सिलेक्टेड है quantity, और जैसे ही हम इस इसमें सेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया और मेरी पोजिशन यहाँ से बिक चुकी है तो अब आप देख सकते हैं इसको आप चाहे तो रिफ्रेश कर दीजिए एक बार तो आपकी पोर्टफोलियो में दिख जाएगी और अदरवाइज आप देखिए ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं तो पोजीशन में जाके देखेंगे तो आज के दिन का हाल आपको दिख जाएगा देखिए ऑर्डर्स में भी आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आज देखिए सेल ऑर्डर है पूरी 180 की 180 क्वांटिटी हमने ट्रेडेड प्राइस है दो सौ सत्तर संतानवे पैसे तो अब देख सकते हैं अभी एल टीपी दो सौ इकहत्तर चल रहा है तो मार्केट ऑर्डर लगाए तो थोड़ा बहुत वेरिएशन में आ जाता है लिक्विडिटी इशू है तो वो फंड में आप देख सकते हैं तो अब देखिए उनतालीस लगभग चालीस हजार रुपए के आसपास टू टू ट्रेड दिखा रहा है तो बाकी जो पैसा और आपका है लगभग आठ नौ हजार नौ हजार के आसपास जो बचा है नौ दस हजार के आसपास वो दोस्तों सेटलमेंट यानी कल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा अभी फिलहाल आप इससे ट्रेड कर सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी टोटल इंटरेस्ट चार्ज आप पे कितना हुआ है लेकिन फिर भी मैं रफली एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको के हिसाब से कितना चार्ज होगा जो दूसरे ब्रोकर में दोस्तों जो करते हैं तो लगभग आप मान लीजिए कि आपने एक लाख रुपए की फंडिंग उठाई तो वहां पर आपको उनचास रुपये पर डे करीब इंटरेस्ट लगता है क्योंकि 18 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होता है वहीं अगर आप इसमें हमारी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका यहाँ पर एक लाख रुपए अगर आपने फंडिंग उठाई तो पर डे यहाँ पर अड़तीस इंटरेस्ट चार्ज होगा यानी लगभग रुपए आपके इंटरेस्ट के बच जाएंगे दोस्तों और ओवरऑल अगर बहुत बड़ी फंडिंग कोई उठाता है इवन इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों आप पांच दस करोड़ इवन जितना चाहें उतनी लिमिट ले सकते हैं ब्रोकर से अपने फंड के अकॉर्डिंग यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट पैसा कम से कम आपके पास होना चाहिए और उसके अलावा मान लीजिए आपके पास एक करोड़ है तो आप पांच करोड़ तक की फंडिंग उठा सकते हैं कोई समस्या नहीं है तो उस उसपे ओवरऑल अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो ये तो छोटी पोजिशन पे मैंने बताया बड़ी पोजिशन पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट बहुत कारगर होता है क्योंकि चार परसेंट का डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है तो आप अकाउंट ओपन अगर करना चाहें तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और याद रखिए अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है कोई नहीं कोई चार्ज नहीं होगा ये तो ऑर्डर कंप्लीट हो गया है दोस्तों तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा उस पर जाके हम आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग किस तरीके से ऑर्डर है और किसी भी एम की जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे दोस्तों तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच गुड डे